छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा विविध सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति लेने की अनिवार्यता वाले कार्यक्रम के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोमवार 16 अगस्त को जिला मुख्यालय दुर्ग व भिलाई में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल भरो आंदोलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक जिला भाजपा कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए काले कानून का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। उन्हें अभी से डर सताने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, शासकीय कर्मचारी भी सरकार के कई निर्णयों से खफा है। इससे भयभीत होकर प्रदेश में काला कानून लाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन, प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो जंगी प्रदर्शन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होती है, उनके आदेशानुसार हर जिले में जो भूपेश बघेल द्वारा अभी करीब करीब 19 बिंदियों का एक आदेश जारी किया है कि अब कोई भी सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, और उसके लिए 14 बिंदुओं का फॉर्म भरना पड़ेगा, और इतनी कड़ाई है उसमें कि ऐसा लग रहा है कि आपातकाल लगने की स्थिति, मतलब सरकार अपनी दमनकारी नीति का एक और जीता जागता प्रमाण दिया है। उसके खिलाफ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुनील राय जी, हमारे संगठन मंत्री माननीय पवन साय जी, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमेश सिंह जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी, और उसमें आदेशित किया कि हर जिले में एक जंगी प्रदर्शन हो, जेल भरो आंदोलन हो, और हम लोग लगभग 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता यहाँ इस प्रदर्शन में भाग लेने की तैयारी के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं, और सभी लोग बड़े उत्साह से उस तैयारी में लगे हैं, और उसी के तैयारी के संबंध में समीक्षा करने आज पवन साय जी हमारे मार्गदर्शन देने आए हैं, और बहुत जोश है, खड़ोश है, लोगों के मन में बहुत पीड़ा है। इसमें साधारण जनता भी जुड़ेगी, क्योंकि ये जो आदेश है वो समितियों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए और सभी वर्ग के लिए ये प्रताड़ित करने वाला आदेश है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और 16 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक दुर्ग में हम लोग अभी जगह तय करेंगे, जो भी समस्या जगह होगी वहाँ पर हम लोग आएंगे। 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन है, उस संबंध में 16 तारीख को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन करना है। जो उन्होंने काला कानून बनाया है उसका विरोध करना है। विरोध करने का स्वरूप, प्रक्रिया, उसको आज तय करने का प्रयास है। हमारे सभी मंडलों के भिलाई और दुर्ग, चूंकि दोनों जिलों का संयुक्त प्रदर्शन है, तो हमारे साथियों की संख्या 10,000 से ऊपर होगी, ऐसा निश्चित है। इससे क्या मैसेज मिलेगा भूपेश सरकार को? भूपेश सरकार के खिलाफ उनका काला कानून, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी को मुद्दा बनाएगा। भारतीय जनता पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार, फिर से 1977 की इमरजेंसी, उस समय देश की जनता ने कांग्रेस को उगाड़ फेंका था, और आज भी वही माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने के कानून के विरोध में 16 तारीख को जेल भरो आंदोलन हमारा हो